close till I get up. Time is. वेलकम टू माई चैनल। आज मैं आपको पंजाबी जख्मी पुलाव बनाना सिखा रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई करें। इसके लिए मुझे, मैं 2 किलो चावल का बना रही हूँ। इसके लिए मुझे दरकार है 2 किलो चिकन और 2 किलो चावल का बना रही हूँ, जिसके लिए मुझे ज़रूरत है 2 किलो चिकन, 2 अदद प्याज, नमक हसबे जायका, 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1 अदद टमाटर, 3 चम्मच साबुत धनिया और गरम मसाले में मिक्स गरम मसाला। और Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. यखनी में पानी ऐड कर दिया है। पानी आप अपने मुनासिब से डाल दिएगा, जितने अपनी यखनी तैयार करनी है, क्योंकि मेरे को चावलों में पानी दरकार है। तो ये है कि इसको चिकन का बना रही हूँ, तो इसके लिए मुझे ना इसको ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ आप 5 मिनट जब इसको यखनी को तैयार करिएगा, बाकी जो चिकन है भुनाई में उसको भून लूँगी। बिस्मिल्लाह डाल रहे हैं, बोले 5 चम्मच मेरे आयल डालें, बाकी आप अपने हिसाब से डालिएगा। अब प्याज ब्राउन करने मीडियम आंच पे, 2 अदद मैंने प्याज लिए, इसको मैं हल्का सा ब्राउन करना। प्याज ब्राउन हुए, ये मैं थोड़े से गार्निश के लिए निकालूंगी। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला ताकि प्याजों से रंग निकल आए, तो प्याज की रंग जरा अच्छी हो गई। अब इसमें मैं डालूंगी चिकन, जो मैंने 2 से 3 मिनट फ्राई करना है। मेरा फ्राई हो गया, अभी से मैं 3 चम्मच अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डाल दूंगी, 4 चम्मच डाल दूंगी, हल्के थोड़ा सा पानी ऐड कर लें ताकि अदरक लहसुन की स्मेल खत्म हो जाए। चिकन मैंने 4 से 5 मिनट फ्राई की है, अब इसमें मैं मसाले ऐड करूंगी। ये मैंने 4 अदद टमाटर लिए, इसमें थोड़ा सा मैं गरम मसाला ऐड करूंगी, क्योंकि मैंने यखनी में गरम मसाला डाला था, तो इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो एक मोटी इलायची, 2-3 दालचीनी और 1 चम्मच मैं इसमें जीरा ऐड करूँगी। पानी डाले ताकि मसाला नीचे लगेगा। अब इसमें मैं नमक ऐड करूंगी, नमक अपने हिसाब से आप ऐड कर दीजिएगा, मैं तो अपने हिसाब से डाले। अब इसमें मैं थोड़ा सा आधा 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया ऐड करूंगी, जरा ये जरा खुशबू देता है पुलाव में। और अब जो खास चीज़ है वो मेरा लाल मसाला है, जो मैं स्पेशल लाती हूँ और उसमें पुलाव में लास्ट में डालती हूँ, वो मैं 4 से 5 चम्मच डालूंगी। अगर आपके पास ये पुलाव मसाला ना हो तो आप ये शाम वालों का पंजाबी अपनी पुलाव मसाला होता है, वो भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है और बहुत अच्छा जायका लगता है।
इसको आपने दो जार में जरा अच्छी तरह भूनना है ताकि ये टमाटर वगैरह भून के ये सारे अच्छी तरह भून जाए। और ज़्यादा 30 चम्मच से लाइएगा ताकि ये चिकन हमारा ना भूले। चिकन मैंने अच्छी तरह भून लिया और देखें कितनी प्यारी इसकी रंगत हो गई। अब मैं इसमें डालूंगी यखनी जो मैंने पहले से तैयार की हुई है, क्योंकि मैंने 2 किलो चावल लिए थे तो उसके हिसाब से मैंने इसमें 6 गिलास पानी डाला, क्योंकि मेरे चावल 1.5 घंटा पहले भी हो रहे थे। आप ही बासमती चावल लें और उसको कम से कम 1 घंटे से 1.5 घंटा पहले भी हो रहे ताकि चावल अच्छी तरह। पानी में उबाल आ गया है, अब मैं ना इसमें चावल डालने लगी हूँ जो मैंने पहले 1.5 घंटा पहले भिगोए थे चावल। अगर आप सीरा इस्तेमाल करें तो कम से कम 3 से 4 घंटे, अगर बासमती तो 1.5 घंटा। अब इसमें मैं 2 से 3 चम्मच सिरका डाल रही हूँ इसलिए कि ये ताकि चावल जो थे ना खिले खिले होंगे। अगर आपके पास सिरका नहीं तो आप लीमू भी डाल सकती हैं, लीमू का रस। पहले मैं चावलों को हाई फ्लेम में इशू करना है, उसके बाद ही मैं लो फ्लेम करूंगी। मैंने हाई फ्लेम में रखा है चावलों से, ज्यादा चम्मच ही चलाइए मैं चावल अब पानी खुश हो गया है। अब मैं इसको दम पे रखने लगी हूँ। दम जो है पहले आपने ये तेज़ करनी है, उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम दम वाली आँख पे रख के इसको 5 से 7 मिनट आपके दम पे देना, तो इंशाल्लाह ताला ये आपका मेरा पुलाव तैयार होगा। लीजिए हमारे मज़ेदार यखनी पुलाव तैयार है, और ये मेरी शामी कबाब की स्पेशल रेसिपी है, मेरे बहुत फेमस हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो मुझे इनबॉक्स में कमेंट्स करें, और ना इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत मतलब मज़ेदार है, और खाएं। और बाकी ये कि आपको वीडियो में पीछे बैक पे कुछ आवाज़ें आ रही होंगी, दरअसल मेरे घर में काम हो रहा था, उसकी आवाज़ें, उसकी मैं माज़रत चाहती हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।